देर शाम थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यमुना किनारे विश्राम घाट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। इस हादसे की सूचना अन्य पड़ोसियों के द्वारा दुकानदार को दी गई तो दुकानदार मौके पर पहुंचा और आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब एक दमकल से आग नहीं बुझी तो विभाग के द्वारा लगातार 5 दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस हादसे को देखकर दुकानदार फूट फूट कर रोने लगा और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। इस घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजनेता घटनास्थल पर पहुंचे, जिसमें मथुरा वृंदावन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर, बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के प्रतिनिधि अभिषेक गौतम एवं अन्य पार्टियों के नेतागण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और दुकानदार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार कुलदीप दुबे ने बताया कि वह लगभग 8:30 बजे अपने कपड़े की दुकान बंद करके गए थे और वह होली गेट के पास पहुंचे थे कि उनके पास फोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई है। इस घटना को सुन दुकानदार मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो बड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे के पश्चात आग पर काबू पाया गया है। हम दुकान बढ़ा के गए 8:30 पौने 9 के करीब के, जैसे होली गेट पहुंचे हैं तो लगभग लोगों के मिस कॉल आए बाजार से। वहीं इस घटना के बारे में अन्य पड़ोसियों ने बताया कि बाजार बंद हो चुका था और अचानक दुकान में से धुआं उठने लगा। आस पड़ोस के लोग दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि भीषण आग लग चुकी है। मैं ये कम से 3 घंटे बाद को प्रशासन जागा है इसमें और इसमें बेचारे पे विंध्याचल से आकर के यहाँ अपना हर गुजर व्यापार कर रहा था, ये यहाँ पर आकर के कैसे भी कर्ज लेकर के व्यापार पैसा लेके ब्याज पे लेके किया काम इसने और इसका पूरा बर्बाद हो गया है। जब तक इसको मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक ये बाजार विश्राम बाजार द्वारका मंदिर बंद रहेगा। अभी 7वां दुकान भड़ा के गया तुरंत ही मेरे साथ में अभी, और मैं घर पर पहुँचा हूँ और ये गया है सीधा होली गेट तरफ। ये पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुई कैसे भी पता नहीं कैसे लाइट आगे लगी। ये अभी 8:30 बज रहे होंगे, 8:30 नहीं पा पाया काबू, कुछ भी नहीं पा पाया। फोन किया तो कितनी देर में भाई? 1 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ फायर ब्रिगेड। कुछ कोई हमने अपने हाथों से तारे तोड़े हैं, उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं किया फायर ब्रिगेड ने कहना में, और कल बाजार बंद रहेगा। हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। ये कुलदीप दुबे हैं जिनकी की विश्राम बाजार पर कपड़े की दुकान है, कुर्ता पजामा की दुकान है इनकी, और इस दुकान में जैसा कि प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, लोगों से जानकारी हो रही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा इनकी दुकान में आग पकड़ ली है और अग्नि इतनी तेज हो चुकी है कि 2-2 फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई हैं, किंतु आग पर काबू नहीं हो पा रहा है। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, फायर ब्रिगेड कर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं, किंतु आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इतने प्रयास होने के बावजूद देखिए, ये कहना तो सही है, जैसा कि हमें भी पता चला कि सूचना देने के लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे हैं, किंतु अब जब वो आ गए हैं तो आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि उनको सूचना मिली कि विश्राम घाट के समीप आग लग गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल वह मौके पर पहुंच गए। एक्चुअली एक दुकान थी जिसके अंदर कुछ सिंथेटिक मटेरियल भरा हुआ था, कुछ तस्वीरें थी और इसके अंदर कुछ जो होली की जो कैप वगैरह आती हैं वो सामान आज ही बता रहे हैं कि अनलोड हुआ था, और दुकान जो है वो एक बेसमेंट है इसके अंदर, जिसके अंदर पूरा सामान भरा हुआ है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी इन्होंने गोडाउन बना रखा है। अभी आग कंट्रोल में है, लगभग 9:45 के आसपास की ये घटना है। जब हमारे को सूचना मिली तत्काल गाड़ियां जो हैं यहां पर पहुंची और मौके पर 4-5 गाड़ियां थी, जिससे कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है और आग को फैलने से रोका गया है। लोगों की शिकायत है कि फोन करने के काफ़ी देर बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। ऐसा मतलब संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कोई कॉल आती है तो उसका लॉग जो होता है वो कंट्रोल रूम में होता है, और जैसे ही कंट्रोल रूम में सूचना आती है उसकी मिनट मिनट की जो एक अपडेट है वो हमेशा जाती है, और जितना टाइम रस्ते में लगता है उतना ही लगा है। बाकी से ज़्यादा जैसे ही सूचना मिली है तो तुरंत टर्न आउट हुआ है, और लोगों के मेरे पास क्योंकि डायरेक्ट नंबर लोगों के पास है, अवेयरनेस जो कैंप लगा था उसके अंदर मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ था। मैं प्रचार करके लौट रहा था तो मुझे पता लगी तो मैं सीधे वृंदावन से यहीं पे आ गया, क्योंकि उधर रास्ता खुदा पड़ा है तो होली गेट आया, होली गेट आया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मेरे संज्ञान में ये आया है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है, और शॉर्ट सर्किट में ये देखने का है कि मीटर से पहले का शॉर्ट सर्किट है या मीटर के बाद का शॉर्ट सर्किट है। यदि मीटर से पहले का शॉर्ट सर्किट है तो इसका मुआवजा तो बिजली विभाग को ही देना पड़ेगा,
ये गरीब दुकानदार वैसे ही जीएसटी की मार से मरे पड़े हैं है, और वैसे ही व्यापार नहीं चल रहा है इनका, तो इनको सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनको उचित मुआवजा देना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है, इन्होंने अभी सामान खरीदा है, अभी स्टॉक इकट्ठा किया है पता लगा, और इसलिए बहुत ही उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो लोग। मैंने तीनों को सांत्वना दी, परंतु ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में बैठी हुई है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। अब ये बिजली ऊर्जा मंत्री का कर्तव्य है कि इनको मुआवजा दिलाएं, क्योंकि सर्किट शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो ये ऊर्जा विभाग का दायित्व हो जाता है। ये तो और भी अच्छी बात है कि ऊर्जा मंत्री मथुरा का है, ऐसे में एक टेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि वो कितना मुआवजा हमारे इन दुकानदारों को दिलाते हैं।